अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू foonboy.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का कंप्लीट पबजी गेमिंग रिव्यू करने वाला हूँ। इस डिवाइस के ऊपर मैं पबजी को रन करूँगा और यहाँ पे देखेंगे कि पबजी इसके ऊपर कैसी चलती है। बाय द वे, अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की अनबॉक्सिंग और इसकी बैटरी चार्जिंग टेस्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात की जाए कुछ बेसिक फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो A22 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक एंट्री लेवल का प्रोसेसर है। इतनी ज़्यादा अच्छी गेमिंग तो नहीं करता, लेकिन फिर भी देखेंगे कि आज आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कितनी अच्छी गेमिंग मिल जाती है। वीडियो में आगे चलने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर से बात को स्टार्ट की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपको बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलते हैं वो राउंड अबाउट 79,000 के आसपास के हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही है प्राइस टैग के हिसाब से। यहाँ पे पबजी खेलने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है आपने नोट करी हो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पीकर ग्रिल बॉटम साइड पे नहीं है, बल्कि ऊपर जो कैमरे के ऊपर जो साइड होती है वहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। एनीवे, यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो पबजी यहाँ पे सिर्फ मीडियम तक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, स्मूथ और बैलेंस दोनों के ऊपर, और HD का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है। एनीवे, स्मूथ के ऊपर, मीडियम के ऊपर कुछ पबजी खेलते हैं और देखते हैं इसके ऊपर लैगिंग वगैरह देखने को मिलती है या नहीं मिलती। अभी यहाँ लॉबी के ऊपर तो मुझे किसी किस्म का लैग देखने को नहीं मिल रहा। गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे अभी तक मुझे किसी किस्म का लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। अभी थोड़ा सा इसको और खेलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुझे तकरीबन पबजी खेलते हुए 10-15 मिनट का टाइम हो गया है और यहाँ पे मुझे अभी तक तो किसी किस्म की लैग देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे से एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ, जायरोस्कोप का सेंसर वर्किंग है या नहीं। है, वर्किंग है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आई थिंक सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्होंने लगाया, तो वर्किंग है लेकिन इतना तो ख़ास मेरे हिसाब से वर्क इसका नहीं हो रहा जैसे दूसरे स्मार्टफोन में होता है। एनी और यहाँ पे बैटरी आपको बैकअप काफ़ी अच्छा मिलने वाला है दूसरे स्मार्टफोन से मुकाबले में, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे लगाई गई है। और अगर आप इसकी बैटरी चार्जिंग टेस्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो आई बटन के लिंक आ रहा होगा, और अगर आप किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप foonboy.com को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर देगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।